तो अभी ये क्या है पॉइंटर है बट बच्चों को क्या समझ में आएगा ये तीर है एरो ठीक है आप सब इस कर्सर या पॉइंटर की मदद से किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं कर्सर या पॉइंटर को हम अपने माउस अथवा टचपैड के उपयोग से चलाते हैं जो आपके डेस्कटॉप पे जो एरो है जो तीर है पॉइंटर है उसे हम कैसे चलाएंगे किसके द्वारा माउस या टचपैड के द्वारा टचपैड के द्वारा कब चला सकते हैं लैपटॉप सर एरो को या पॉइंटर को टचपैड के द्वारा कब चला सकते हैं टचपैड और माउस में डिफरेंस क्या होता है जब माउस फंक्शनल नहीं है तब उसको यूज कर सकते हैं ये माउस आपके पास नहीं है तब यूज कर सकते हैं माउस और टचपैड में क्या अंतर है अभी दोनों का एक्सप्लेन हुआ था माउस का भी टचपैड का भी सर माउस सरफेस का काम होता है सरफेस पे और टचपैड सरफेस का काम होता है लैपटॉप का तो देखिए सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट जो है ना आपकी जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होने चाहिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप कैसे उनको समझा पाओगे या कैसे उनको बताओगे हम तो बता ही रहे हैं हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है आप उसको आप वीडियो को पीछे करके बता सकते हैं समझा सकते हैं पर आपका भी तो कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए ना क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है माउस का उपयोग हम डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ करते हैं और टचपैड जो होता है लैपटॉप के साथ कर सकते हैं माउस के अंदर तीन बटन होते हैं टचपैड में दो बटन होते हैं जो लेफ्ट और राइट बताया गया था माउस क्या होता है डेस्कटॉप के साथ उपयोग करते हैं और टचपैड लैपटॉप के साथ भी माउस का उपयोग कर सकते हैं बट डेस्कटॉप के साथ हम टचपैड का उपयोग नहीं कर सकते हैं है ना तो ये डिफरेंस है अब ये माउस से या टचपैड के द्वारा हम अपने पॉइंटर को कैसे मूव कराएंगे क्वेश्चन बनता है ना कैसे मूव कराएंगे वो पूछेंगे तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे वहां पे अभी तक तो इतना समझ में आ गया होगा स्टार्टिंग सुबह में भी आपने कुछ ऑन ऑन किया था फाइल भी देखा था तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप कर ही सकते हैं माउस मूव करके टचपैड पे फिंगर मूव करते अगर मान लीजिए आपके पास माउस है ये इसके द्वारा अपने पॉइंटर को मूव कराना है तो आप अपने हाथों से ऐसे माउस को पकड़ेंगे अब देखिए यहाँ पे दो बटन है लेफ्ट और ये राइट क्या होता है स्टार्टिंग में जब भी कोई भी सीखेगा स्टार्टिंग करेगा तो क्या करेगा जब पकड़ेगा तो उसे कभी लेफ्ट बटन प्रेस होगा कभी राइट बटन प्रेस होगा उसके लिए क्या होता है इन दोनों ये दो फिंगर हैं इनको ऊपर रखना होता है ताकि इस पर टच ना हो और ऐसे इनको पकड़ के आप इसको मूव करा सकते हैं अगर आपको इधर के साइड जाना है तो आप माउस को इधर करेंगे राइट साइड जाना है तो माउस को राइट में लेके आएंगे ऐसा अगर उसको गोल गोल घुमाना है ऐसे तो ऐसे करेंगे आप जो भी कार्य करना हो आप जिधर किस डायरेक्शन देंगे पॉइंटर आपका उसी डायरेक्शन में या उसी दिशा में हो जाएगा जिस दिशा में आप माउस को मूव कराएंगे क्लियर है टचपैड में भी ऐसे ही है लैपटॉप के टचपैड में ये जो खाली जगह होता है ये टचपैड है और ये दोनों क्या आपका लेफ्ट और राइट जब इसका उपयोग करेंगे स्टार्टिंग में तो आपके फिंगर से कभी कुछ प्रेस होगा कभी कुछ इसके लिए क्या करना होता है ये सारे ऐसे फोल्ड होंगे बंद होंगे क्लोज होंगे और फिर उस पर ऐसे फिंगर रख के यूज करना होता है ताकि बाकी कोई और फाइल ओपन ना हो स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चे सिस्टम पर बैठेंगे ना आप ऑन करा देंगे जैसे ये वीडियो चला के क्लासेस पहुंचेगी यहाँ तक पावर बटन प्रेस करा देंगे डेस्कटॉप आ जाएगा आप उनको प्रैक्टिकली अभी जब आगे वीडियो आएगा तो टचपैड के द्वारा उनको बोलेंगे अपने पॉइंटर को मूव कराओ वो मूव भी करा लेंगे स्लो स्लो करेंगे पर मूव करा लेंगे वो लेकिन जैसे ही आप पेंट की फाइल को ओपन कराएंगे और उनसे ड्रॉइंग बनाना शुरू करेंगे तो उनके सामने प्रॉब्लम में आएंगे वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे या कहेंगे सर आपने ये बताया वीडियो में ये आ गया क्योंकि उनको अभी टचपैड का उपयोग करने का अभ्यास नहीं हुआ प्रैक्टिस नहीं हुआ है वो अपने फिंगर से पूरे ऐसे रख के यूज कर रहे हैं तो एक साथ जो भी दो बटन प्रेस होगा तो उसका वहां पे जो फंक्शन होगा ओपन हो जाएगा ये जो फाइल है फोल्डर है वो ओपन होकर सामने आ जाएगा
तो कहेंगे कि सर ये मेरा नहीं आया पेंट कमिंग में या मेरा ये आ गया था, उसको आप ठीक करेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो सकती हैं आपको हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे कि आपके क्लास लेने के समय ये प्रॉब्लमें आ सकती हैं, इनको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम वो पॉसिबल नहीं है कि उसको वीडियो में हम रख सकें, क्योंकि हमारी क्लास खुद टाइमिंग 45 मिनट है, हमारी वीडियो 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो होगी, आप उसको पढ़ाएंगे तो 45 मिनट तक चला जाएगा, क्योंकि बीच में वीडियो रोकना भी है, एक्सप्लेन भी करना है, तो 45 मिनट तक भी चला जाता है। ठीक है, अगर आप माउस का उपयोग कर रहे हैं तो आप सभी अपने राइट हैंड से माउस को पकड़ें और उसे गोल गोल घुमाएं, जैसे वीडियो में तो ऐसा पॉइंटर वैसे ही घूमेगा। ये नहीं है सर, ये चीज हो ना जैसे ये बताया जा रहा है, आपको स्टूडेंट से वैसे ही कराना है, ये नहीं कि वीडियो कंटिन्यू चलता रहे और चुपचाप सुनते रहे, ऐसे नहीं। जहाँ पे जो चीज कार्य उनको करने के लिए बोला गया है वो कार्य होना चाहिए, और आपका काम क्या है, सभी के सिस्टम के स्क्रीन को देखना है कि उन्होंने किया है या नहीं। अगर नहीं किया इसका मतलब आपको वीडियो पीछे करना है जहां पे वो रुके हुए हैं। अगर मान लीजिए आपकी क्लास की संख्या 20 के आसपास है, आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट ने किया 10 ने नहीं किया, तो आपका रिजल्ट क्या है 50-50। दोबारा से उस चीज को दिखाओ ताकि आपका 100% रिजल्ट है, क्योंकि हमें यहाँ तो एफर्ट क्या करना है, बस हमें वीडियो चलाना है, आपको बस वीडियो चलाना है, बाकी तो सब कुछ है ही है, और जो चीज प्रॉब्लम आएगी उनको हम बता देंगे आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ले लो। अगर आप लैपटॉप या नोटबुक का उपयोग कर रहे हैं तो आप अपने टचपैड में खाली जगह पर अपने राइट हैंड की एक फिंगर को सामने दिखाए गए चित्र की तरह रखें और फिर गोल गोल घुमाएंगे, तो आपका पॉइंटर वैसे ही घूमेगा जैसे आप अपने टचपैड पर अपनी फिंगर को घुमा रहे होंगे। क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, इसलिए आप सभी कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं दिए गए वीडियो के माध्यम से सीखें। अब देखिए यहाँ पे विंडो 7 भी हो सकता है, विंडो XP भी हो सकता है, आपके सामने स्क्रीन पे दो चीज दिखाया गया, विंडो 7 और विंडो XP, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये भी डेस्कटॉप ही आया है, विंडो है, ये भी विंडो ही है, डेस्कटॉप है, कुछ डिफरेंस है? अभी जब आप इस पे क्लिक करेंगे XP पे तो यहाँ पे कुछ और बॉक्स तो दोनों सेम होगा, ऑप्शन थोड़ा अलग हो जाएंगे, यहाँ पे शटडाउन का ऑप्शन जुड़ेंगे, यहाँ पे एक बार वीडियो प्ले, एक वीडियो को देखकर सीखते हैं कि कंप्यूटर को कैसे शटडाउन करते हैं। आप सभी अपने मॉनिटर को इस विंडो में स्टार्ट बटन पर लेकर आए, आपको XP का दिखाया जा रहा है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और फिर यहाँ पे क्लिक करें, एक बॉक्स ओपन होगा, इस बॉक्स के अंदर आपको शटडाउन लिखे हुए ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को लेकर आना है। यहाँ पे देखिए विंडो 7 में डायरेक्ट शटडाउन पे लिखे हुए लेकर आएंगे तो क्लिक करेंगे तो शटडाउन हो जाएगा, यहाँ पे टर्न ऑफ पे क्लिक करेंगे एक और बॉक्स आएगा, उसके अंदर आपको टर्न ऑफ पे क्लिक करना होता है। अब ये XP हमारा पुराना पार्ट है, विंडो का पुराना वर्जन है, इसका जो फंक्शन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसका थोड़ा आसान कर दिया इन्होंने, शटडाउन पे क्लिक करेंगे तो शटडाउन हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक और बॉक्स आएगा, तो इस तरीके का है। आगे प्ले करो, और फिर यहाँ पे अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है। ये भी बताया गया है कि आपको अपने माउस के कौन से बटन का क्लिक करना है या टचपैड के कौन से बटन का क्लिक करना है, उनका क्वेश्चन होगा ना कौन से बटन, तो बताया गया लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे जाने के बाद तो शटडाउन हो जाएगा। अगर आप विंडो XP का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होगा, टर्न ऑफ लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जिससे कि आपका बॉक्स शटडाउन हो जाएगा, उस बॉक्स के अंदर आपको टर्न ऑफ पे क्लिक करना है जिससे कि आपका विंडो XP का जो कंप्यूटर है शटडाउन हो जाएगा। लास्ट में आपका आ रहा है क्वेश्चन, चलिए आज की कक्षा में आपने सीखा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं,
कंप्यूटर का उपयोग किन किन जगहों पर किया जाता है, कंप्यूटर से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, माउस का उपयोग क्यों करते हैं, टचपैड का उपयोग क्यों करते हैं, और सबसे बाद में कंप्यूटर को कैसे बंद करते हैं, यह भी सीखा। अब लास्ट में जब शटडाउन करा देंगे ये सब खत्म हो जाएगा। आपको रोक के पहले इस वीडियो को ही चले देना, रोक के पूछना है कि आज के क्लास में आपने क्या सीखा। अगर उनको याद है, अच्छे से क्लास में एक्टिव है, तो आंसर करेंगे कि हमने आज ये चीज़ सीखा है। नहीं है तो मतलब नहीं आंसर कर पाएंगे वो कि क्या सीखा उन्होंने। सर, हेलो, उसमें